हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज फिर एक नई एप्लीकेशन के साथ। बड़े भाई की शादी है, बड़े भाई की शादी है भाई, तो एंजॉय तो करेंगे ही ना आप। कम से कम 7 दिन तो चाहिए एंजॉय करने के लिए। बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बिफोर मैरिज प्रोग्राम होते हैं, आफ्टर मैरिज रिसेप्शन वगैरह होते हैं, बहुत से प्रोग्राम होते हैं। तो भाई बहनों की शादी हो तो सबसे ज़्यादा एंजॉय तो हम लोग करते हैं जब भाई बहन, बड़े भाई बहन या किसी की भी शादी होती है। वर्क भी बहुत रहता है, अब बड़े भाई की शादी है तो हम लोग को वर्क भी बहुत रहता है, तो इसके लिए कम से कम 7 दिन की छुट्टी की चाहिए पड़ेगी। अब 7 दिन की छुट्टी चाहिए तो एप्लीकेशन तो लिखना पड़ेगी स्कूल के लिए। विदाउट एप्लीकेशन 7 दिन अगर गायब रहेंगे स्कूल से तो एक एप्लीकेशन हम लोग को मिल जाएगी, सर्टिफिकेट मिलेगा सीधा TC वाला। तो TC से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि एक एप्लीकेशन लिखना चाहिए स्कूल के लिए। तो हम शुरू करते हैं एप्लीकेशन। तो ये फॉर्मेट फिर सेम है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दमो। दमो की जगह अपना शहर का नाम लिखिए, टू द स्कूल की जगह अपने स्कूल का नाम लिखिए, टू द प्रिंसिपल सेवा में प्रधान प्राचार्य जी स्कूल का नाम, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर मैरिज पार्टी, विषय एक शादी पार्टी के लिए आवेदन पत्र। ओके रिस्पेक्टेड सर, इसको आप डिक्टो हिंदी में भी लिख सकते हैं ये एप्लीकेशन। रिस्पेक्टेड सर यानी महोदय या महानुभाव, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वेक टू से दैट, सा सम्मान कह सकते हैं, रिस्पेक्ट से कह सकते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर, के जो शादी है मेरे बड़े भाई की, विल टेक्स प्लेस ऑन 12 जनवरी। मतलब मेरे बड़े भाई की शादी है वो 12 जनवरी को होने जा रही है या होगी। सो आई शैल बी बिजी फॉर 7 डेज, इसलिए मैं आई शैल बी बिजी, इसलिए मैं 7 दिन के लिए बिजी होऊंगा। ओके काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 7 डेज, कृपया करके मुझे 7 दिन की छुट्टी देने की कृपा कीजिए। ये पिछली एप्लीकेशंस में भी आपने देखा है। थैंक्स यू आर ओबीडेंटली या यू आर ओबीडेंटली, और नेम लिखेंगे आप यहाँ पर, नेम आप अपना नेम लिख दीजिए या जो अगर एग्ज़ाम में नेम दिया है तो वो नाम लिखेंगे, और यहाँ पर आप डेट मेंशन कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ अब भाई की शादी में इंजॉय करेंगे एप्लीकेशन लिखने के बाद। लेकिन एंजॉय करने से पहले आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, तो थोड़ा मैं भी एंजॉय कर लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।